राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन जयपुर से सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली कैंट के लिए रवाना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देश की 15वीं वंदे भारत का रेगुलर संचालन 13 अप्रैल से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच किया जाएगा। इसके लिए IRCTC ने आज से बुकिंग स्टार्ट कर दी है। वंदे भारत के उद्घाटन के दौरान मोदी ने पहले की सरकारों पर रेलवे के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि अब लोगों को स्थायी सरकार मिली, उसके बाद रेलवे में तेजी से बदलाव शुरू हुए हैं। मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर चुटकी लेते हुए कहा कि वे इन दिनों राजनीतिक आपाधापी में हैं, राजनीतिक संकटों से गुजर रहे हैं, फिर भी समय निकाल कर कार्यक्रम में पहुँचे। PM मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन जयपुर से दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा और यह ट्रेन राजस्थान के टूरिज्म को भी मदद करेगी। पुष्कर और अजमेर शरीफ आस्था के स्थल तक पहुंचने में लोगों को आसानी होगी। बीते 2 महीनों में यह 6वीं वंदे भारत ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाई गई। देखिए, आज राजस्थान वासियों का, अजमेर वासियों का, जयपुर वासियों का ये सौभाग्य है कि राजस्थान को पहली सेमी हाई स्पीड रेल वंदे भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी जी ने यहाँ जयपुर पधारकर उसका शुभारंभ किया और इस ट्रेन के माध्यम से अजमेर से दिल्ली की जो दूरी है वो भी कम हुई है। जो राजस्थान के अंदर हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर लोग अच्छे तरीके से आ पाएंगे, कम समय में दूरी तय कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो राजस्थान पर्यटन का बड़ा केंद्र है तो पर्यटन को भी इस ट्रेन के माध्यम से, इस वंदे भारत के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। मैं पुनः भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन देने के लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। सर, इसमें कुछ विद्यार्थियों को भी निःशुल्क का प्रावधान है, कुछ फीस है, एग्जाम हमें पोर्शन उसको हल करने के बाद 8 घंटे में तो बच्चों को निःशुल्क इसमें दी जाएगी जो मतलब विद्यार्थी। देखिए, मैं बोलता हूँ युवा पीढ़ी को और राजस्थान के जो संपूर्ण युवा हैं उनको इस ट्रेन का लाभ मिलेगा। और बहुत बड़ी बात यह है, अजमेर से जयपुर की दूरी कम हो रही है, जयपुर से दिल्ली की दूरी कम हो रही है, तो इसमें हम बहुत कम समय में अपनी लंबी दूरी को तय कर पाएंगे।